हे एवरीवन, वेलकम टू पूनम वेज किचन। आज हम बनाएंगे सेहत से भरपूर चने के लड्डू। चने के लड्डू किस तरह से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, आओ शुरू करते हैं। चने के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है 2 किलो भुने हुए चने, जिसको हमने पीस लिया है। चने को हमने छिलकों के साथ ही पीसा है। साथ ही हमने लिया है 250 ग्राम बादाम और 250 ग्राम काजू, तकरीबन आधा केजी इनकी क्वांटिटी हो गई है, और इन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 750 ग्राम बूरा ली है। बूरा किसी भी राशन स्टोर से आसानी से मिल जाएगी, चाहे तो आप इसमें खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी को भी पीस सकते हैं, और मीठा जो है आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लाइट मीठा खाते हैं या ज़्यादा मीठा खाते हैं। 750 ग्राम देसी घी लिया है। ये घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी है। लड्डू बनाते समय अगर घी कम रहा तो आप इसे और भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे तभी घी का सही मात्रा में पता चलेगा। इसमें कम भी लग सकता है और थोड़ा सा और ज़्यादा भी लग सकता है, मिक्स करते वक्त ही इसे हम पता लगा सकते हैं। तो चलो बनाते हैं लड्डू। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम और काजू। आप चाहे तो इसमें मखाने भी ले सकते हैं। मखानों को आप भून कर थोड़ा बारीक पीस कर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं मखाने यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ड्राई फ्रूट काजू बादाम ही यूज़ करूँगी। दोनों चीज़ों को हमने डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बूरा। बूरा डाल देंगे। जो सामान हमने इसमें मिलाया है, ड्राई फ्रूट्स, बूरा, चने, इन सब चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। भुने हुए चने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और चने में फैट और कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है। प्रोटीन और फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। भुने चने बहुत ही फायदेमंद है। चने की तासीर गर्म होती है, इसलिए ज़्यादातर सर्दियों में ही इसका फ़ायदा होता है खाने का। सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया है चने। आप इसे किसी भी तरह से खा सकते हैं, सिंपल खा सकते हैं, लड्डू बनाकर खा सकते हैं। सर्दियों में प्यास कम लगती है, इसलिए चने का फ़ायदा बहुत है कि जब हम इसे खाते हैं तो प्यास लगती है, तो पानी की कमी हमारे शरीर में नहीं होती। चने जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। भुना चना दिल का साथी माना जाता है। खेलने वाले बच्चे जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, उनके लिए लड्डू बहुत ही सेहतमंद होते हैं। परिवार के सभी सदस्य इसे खा सकते हैं, छोटे बड़े बूढ़े, सबके लिए फ़ायदेमंद है भुना हुआ चना। चने में अब हम डालेंगे घी। मिलाकर देखेंगे, मिलाकर ही हमें तभी पता चलेगा, मिलाते समय। अभी हमने थोड़ा घी बचा लिया है, पहले हम इसे मिक्स करेंगे, धीरे धीरे मिक्स करेंगे। घी को हमने गरम कर लिया था, ठंडा घी मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ लड्डू बनाते समय। आप किसी भी तरह के लड्डू बनाएं, घी को गरम ज़रूर करें। मीठा आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। हाथों की सहायता से अब हम मिलाएंगे, क्योंकि चम्मच से
ढंग से मिलता नहीं है, इसलिए अब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे। मिश्रण मिला दिया है और लड्डू अभी ढंग से बंधने नहीं लगे हैं, इसलिए अब हम इसमें घी और डालेंगे। घी और डाल दिया है, अब हम इसे एक बार मिक्स और करेंगे। जो मजा है वो घी का ही है, घी इसमें अच्छे से मिलेगा तभी लड्डू हमारे बढ़िया बनेंगे। लड्डू बनाते समय आप घर के बने घी का ही इस्तेमाल करें, शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। डब्बे का घी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ समय बाद उसमें स्मेल आने लग जाती है और घर के बने घी में लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं। लड्डू का मिश्रण हमारा पूरी तरीके से तैयार हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे और लड्डू बनाते जाएंगे। लड्डू आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं। चने के लड्डू बहुत ही सेहतमंद होते हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए लड्डू हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। सभी लड्डू को हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और बना बना कर एक तरफ साइड में रखते जाएंगे, और जब थोड़ा सा ये नॉर्मल हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि घी हमारा गर्म था, तभी हम इसे डब्बे में डालकर रखेंगे और फिर इसे हम खाएंगे। बच्चों को आप रोज़ाना एक लड्डू गर्म दूध के साथ देंगे तो बच्चों को भूख भी लगेगी और बच्चों की सेहत भी बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो इन चने के लड्डू को आप घर में बनाकर ज़रूर देखिए। अभी हम धीरे धीरे करके सभी लड्डू को बना लेते हैं। बहुत से लोग गोंद के लड्डू भी डालते हैं, लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर्स चने के लड्डू ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसे हर साल डालती हूँ। आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए। चने के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं, आप भी इसे बनाकर ज़रूर देखिए और खिलाइए बच्चों को, अपने परिवार के सदस्य को। सभी के लिए बहुत ही सेहतमंद है, बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, सभी के लिए बहुत ही बढ़िया लड्डू हैं ये। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है चने के लड्डू की। भुने हुए चने जिसको मैंने छिलकों के साथ ही पीसा था, आप चाहे तो इसे बिना छिलकों के साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन छिलके में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, फाइबर होता है, इसलिए मैंने इसे छिलके के साथ ही पीसा था। तो अगर आपको मेरी ये चने के लड्डू वाली रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने कमेंट्स देकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।